नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आयुष है और आज मैं अडीनियम प्लांट्स पे बात करूंगा कि अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके प्लांट पर भी फ्लावरिंग हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर 100% आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 है सनलाइट रिक्वायरमेंट। जो अडीनियम प्लांट होता है, इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं जैसे आपको पता ही होगा, और ये प्लांट कम्प्लीटली एक आउटडोर प्लांट है। इस प्लांट को कम्प्लीट आप सनशाइन में रखिए, मिनिमम 6 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़नी चाहिए। खुली हवा में, खुले इन्वायरमेंट में इसे रहना बहुत पसंद है। अगर आप इसे इनडोर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि इसको अच्छी तरह से सनलाइट मिले, सनलाइट रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो। इस रूल का एक एक्सेप्शन ये है कि जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं मई जून के महीने में, अगर 40 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर है, ड्राई लूप चल रही है, बहुत ड्राई गर्मी पड़ रही है, उस टाइम पर आपको इसे कहीं शेडेड एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना इसके पत्ते पीले पड़ के गिरने भी लग सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सॉइल रिक्वायरमेंट। इस प्लांट को के लिए जो आइडियल सॉइल होती है वो है वेल ड्रेनेज वाली सॉइल। तो इसकी सॉइल में आप 60% कोकोपीट लगाइए, 60% कोकोपीट ले लीजिए, 30% कंपोस्ट लीजिए, जो पत्ती की खाद होती है लीफ कंपोस्ट, या फिर आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, और 10% आप गार्डन सॉइल मिला लीजिए। ये जो सॉइल मिक्सचर है, मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस प्लांट के साथ, ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अब स्टेप नंबर 3 जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। तो जो मैं फर्टिलाइज़र अपनी प्लांट में देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये है NPK। ये 19:19:19 रेशियो वाला NPK मैं देता हूँ अपने प्लांट्स में। तो इसके हम कुछ दाने, 15 दाने के करीब, 10 से 15 दाने मैं अपने प्लांट में वीकली बेसिस पे देता हूँ। हर हफ्ते देना है आपको 10 से 15 दाने, वो डिपेंड करेगा आपने कितना बड़ा पॉट लिया हुआ है। मैंने जो पॉट लिया है वो मेरा छोटा बॉन्साई पॉट है, 6 इंच का। अगर आपने बड़े गमले में लिया हुआ तो आपको उस हिसाब से इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ानी होगी। वैसे इसका जो डाइल्यूशन रेशियो होता है स्टैंडर्ड, वो है आधा, 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच NPK घोल के दे सकते हैं। तो मैंने 10 से 15 जो दाने NPK के लिए हैं अपने छोटे बॉन्साई पॉट के लिए, तो वो आप इसमें वीकली बेसिस पे डालिए। और राइट साइड पे जो आपको फर्टिलाइज़र नज़र आ रहा है वो है पोटाश। ये जो दिख रहा है आपको, ये पोटाश है। इसका भी मैं 1/4 टीस्पून लूँगा। 1/4 टीस्पून आप वीकली बेसिस पर डाल सकते हैं अगर आप इसमें फ्लावरिंग जल्दी पाना चाहते हैं। आपको इनकी मात्रा मिलाते हुए फर्टिलाइज़र्स की थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट फर्टिलाइज़र्स होते हैं और आपका प्लांट का जलने की संभावना भी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसे मत दीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे 48 डिग्री तक टेम्परेचर अगर हो रहा है उस टाइम पे आप फर्टिलाइज़र मत दीजिए। बारिशों के टाइम पे आप फर्टिलाइज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फर्टिलाइज़र हमेशा आप शाम को दीजिए, जब सूरज ढल जाए, बिल्कुल तपती हुई गर्मी में, दोपहर में या मॉर्निंग के टाइम पर फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, वरना और भी चांसेस बढ़ जाते हैं प्लांट के जलने के। बाकी फ्रेंड्स, इसका जो वाटरिंग की मैं बात करूं, अगर आपने इसकी वेल ड्रेनेज सॉइल ली है जैसे मैंने आपको रेशो बताया था, तब आप इसके अंदर डेली वाटरिंग करें। गर्मियों में वाटरिंग की से बहुत ज़रूरत है। अगर अंडर वाटरिंग होगी तब भी ये प्लांट जो है बर्ड्स बियर नहीं करेगा। फ्रेंड्स, बारी आती है स्टेप नंबर 5 जो है डिजीज़ प्रिवेंशन। हम इस प्लांट पर, अडीनियम पर जनरली डिजीज़ लगते नहीं हैं, लेकिन मैं हर 15 दिन में या महीने में 2 बार साइपरमेथ्रिन दवाई का स्प्रे करता हूँ इस प्लांट पे। ये दवाई अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी इक्वली बेनिफिशियल है इस प्लांट के लिए। इसकी आपने 4 से 5 बूंदे साइपरमेथ्रिन दवाई है आप 1 लीटर पानी में ले लीजिए और घोल के अच्छी तरह पूरे प्लांट पे स्प्रे करिए हर 15 दिन में। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार प्लांट पे पेस्ट कोई अटैक कर दे तब प्लांट को अपने आप को संभालना, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है उसे, बहुत उसे डिजीज़ से लड़ना पड़ता है। तो हम ये प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो हमारे प्लांट पे डिजीज़ लगेंगे ही नहीं काफ़ी हद तक। तो ये बहुत ज़रूरी एक स्टेप है, आप ये हर 15 दिन में कर सकते हैं। नीम ऑयल इक्वली अच्छा काम करता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने केमिकल पेस्टिसाइड ही लेना है, आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है वो भी। बारी आती है स्टेप नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसका नाम है पेशेंस। आपने प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पूरी की है, आपने सॉइल इसे ऑप्टिमल दी है, आपने सनलाइट उसे दी है, आप वाटरिंग करते हो, फिर भी आपका प्लांट अगर अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा, बर्ड्स नहीं बन रहे, तो उसका एक कारण हो सकता है आपका प्लांट अभी मैच्योर नहीं है, आप प्लांट को इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं।
तो आप प्लांट को टाइम दीजिए, उसे अपने पेस पर बढ़ने दीजिए, और मुझे यकीन है आप मेरे 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करेंगे तो आपके ज़रूर आपका प्लांट ब्लूमिंग करेगा। और जैसे छोटे बच्चे को हम एक दिन में नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भागने लग जाए, उसी तरह आप प्लांट को भी अपने टाइम दीजिए और मुझे यकीन है आपके लिए फ़ायदा करेगा बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो उस प्लांट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।